अब बात वॉर की हम कर ही रहे हैं तो आपको दिखाते हैं कि रूस यूक्रेन वॉर गेम अचानक 180 डिग्री कैसे घूम गया है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ज़ेलेंस्की मॉस्को पर घातक प्रहार करेंगे क्योंकि मॉस्को के करीब पहुंचकर क्रैश हुआ यूक्रेनी ड्रोन। ये बड़ी खबर देखिए, यूक्रेनी कामिकाजी ड्रोन मॉस्को से सिर्फ 30 किलोमीटर पहले ही क्रैश हो गया। यूक्रेनी कामिकाजी ड्रोन पर लोड था भारी विस्फोटक। यूक्रेनी कामिकाजी ड्रोन में 17 किलो C4 विस्फोटक था जो मॉस्को से 30 किलोमीटर पहले ही क्रैश हो गया। तो जब बाल बाल बचा मॉस्को, अभी तक बॉर्डर के इलाकों में हम ये देख रहे थे लगातार हमला यूक्रेन का, लेकिन अब मॉस्को तक वो हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। ईस्ट मॉस्को के करीब तक पहुंचा यूक्रेनी कामिकाजी ड्रोन। ईस्ट मॉस्को के बोग्रोस्की में क्रैश हुआ UJ-22 ड्रोन। बोग्रोस्की जिला मॉस्को से महज 30 किलोमीटर दूर है। UJ-22 यूक्रेनी ड्रोन में 30 पीस C4 विस्फोटक मिला। 30 पीस C4 विस्फोटक का वजन 17 किलोग्राम से ज्यादा था। फ्यूल खत्म होने की वजह से UJ-22 ड्रोन क्रैश हो गया, वरना अगर ये 30 किलोमीटर की दूरी और तय कर लेता तो शायद मॉस्को में हाहाकार मच जाता। लेकिन देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर है, यूक्रेनी ड्रोन मॉस्को तक पहुंचने में नाकाम रहा, लेकिन क्रीमिया और बेलगोरोद पर अटैक करने में कीव लगातार कामयाब हो रहा है। और उसी से जुड़ी यह खबर है, क्रीमिया के सेवास्टोपोल में रूस ने एक ड्रोन अटैक की, यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया। यूक्रेन ने सरफेस ड्रोन से सेवास्टोपोल पर हमला किया। सेवास्टोपोल के साथ बेलगोरोद में भी यूक्रेन ने प्रहार किया, S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया। और देखिए, आपको दिखाते हैं वॉर जोन में बदला क्रीमिया, बेलगोरोद दहला कैसे, जल्दी से आपको दिखाते हैं सरफेस ड्रोन से घातक अटैक कैसे हुआ। सेवास्टोपोल को निशाना बनाया गया, यहां पर गवर्नर मिखाइलो ने इसकी जानकारी दी। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम इसके बाद एक्टिव हो गए। बेलगोरोद में क्या हुआ, एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और उसके बाद यहां हड़कंप मच गया। S-300 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। यहां पर यूक्रेनी ड्रोन से हमले की आशंका है। बेलगोरोद में लगातार अटैक हो रहा है।